अच्छा बहुत ही क्यूट क्यूट मोमेंट हम वापस कार्तिक नायरा के बीच में हमें देखने को मिल रहा है. फैंस ऑब्वियसली विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस आफ्टर सो लॉन्ग. रियलिटी है या सपना पहले तुझे बताइए. सपने में ज्यादा होता है आजकल ये. सपना नहीं है, सच है. ये सच में हो रहा है. तो आई गेस ये वो एक मैजिक ट्रिक की तरह हो गया है कि इसमें जब आपको चीज़ें दिखती है, वो प्यार दिखता है और वो अचानक उनकी लाइफ में मिसिंग होता है और वो फिर से वापस आ जाती है. तो जब वो प्यार अब वापस आ रहा है तो कार्तिक चाह रहे हैं कि वो सबको बता दे. ही वॉन्ट्स एवरी वन टू नो दिस और वो चाह रहे कि नायरा उसका साथ दे इस बात पर. पर वो ऑब्वियसली हेजिटेंट है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. वेदिका वो हेजिटेशन है. जी हाँ, यही बात नायरा कार्तिक को समझाने की कोशिश करती है कि हमने जो भी एक दूसरे को बोल दिया सो बोल दिया, अब उसे भूल जाते हैं. आप इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आपकी दूसरी शादी हुई हुई है और हमारी हमने ऑलरेडी बहुत गलतियाँ की हैं पास्ट में जिसकी वजह से हमारी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है. अब हम ऐसी कोई गलती ना करें जिससे फिर से उन्हें सफ़र करना पड़े, क्योंकि इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है. आपका क्या टेक है नायरा की इस बात पे? क्योंकि वो नहीं मानते. वो अब भी नायरा को कोशिश ही कर रहे हैं कि नायरा समझ जाए. लेकिन तो इस बार भी पूरी फैमिली के सामने वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो सबको बता देते हैं. एक गेम खेल रहे हैं यहाँ पे. सिंघानिया आ जाते हैं वो बच्चों को लेकर, पूरी फैमिली को लेकर, कि वो किसी तरह नायरा को मना लेंगे. लेकिन नायरा जितना दूर भाग रही है वो उतना ही उनके करीब आ रहे हैं और उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं. अच्छा, पिछली बार जब जंगल में ये सब रोमांटिक मूवमेंट रियलिटी में हो रहे थे तो वेदिका इसकी साक्षी बनी और वो बहुत अपसेट है इस बात से. घर आने के बाद काफ़ी रोई भी, दादी के गले लग के रोई, अकेले रूम में जाके रोई. वो अभी भी शायद इस बात को एक्सेप्ट करें नहीं करें हम नहीं जानते. आपको क्या लगता है, वेदिका क्या खुद अपने आप से आप दोनों के रास्ते से हट जाएंगी? डू थिंक जंगल में जब दोनों प्रपोज कर वापस आई लव यू बोल देते हैं जंगल में ना, जंगल में जब दोनों वापस आई लव यू कहते हैं, आई लव यू कह देते एक दूसरे को और वो सारी चीज़ें होती है, तब वेदिका सुनती नहीं है पर वो एक क्लोजनेस देख लेती है. जंगल में मंगल. जंगल में मंगल ऐसा कुछ ही नहीं हुआ था. जंगल में मंगल है, बड़े एक छोटा सा प्यारा सा रोमांस सीन हुआ था जहाँ पे कार्तिक और नायरा एक दूसरे को अपने दिल की बात बोल देते, आई लव यू बोल देते. लेकिन वेदिका, हाँ, लेकिन वेदिका सुनती नहीं है, वो सिर्फ देख लेती है वो क्लोजनेस. अच्छा, दादी को बहुत भयानक सपने आ रहे हैं वेदिका को लेकर, जब से दादी को पता चला है कि आप दोनों ने एक दूसरे से वापस अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और वेदिका डिवोर्स के पेपर्स अब कार्तिक के हैं, कार्तिक को देने वाली हैं कि तुम ऐसा होने वाला है. दादी के सपने देखा नहीं मैंने. नहीं नहीं, लेकिन ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि वेदिका आपको तलाक के कागजात देने वाली हैं और वो ये बोल रही हैं कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ बिकॉज आई नो दैट यू विल बी मोर हैप्पी विद मी. मुझे पता नहीं, अब वो सीन हमने किया नहीं है ना, हमें मिला है तो पता नहीं, नहीं करने वाले हमें नहीं पता. एक चीज़ और, दादी को ये भयानक सपना आ रहा है कि कहीं वेदिका इस सदमे से अपने साथ कुछ गलत करने की कोशिश ना करे. उन्होंने ये सपना दिखाया कि वेदिका सुसाइड ट्राई कर रही है, वो नीम की गोलियां खा लेती हैं बहुत सारी और ये दादी को बहुत परेशान कर रहा है. सो आपको लगता है, जितना आप वेदिका को जानते हैं इतने सालों से वो आपके साथ इस घर में रह रही हैं, आपको लगता है कि वेदिका इतना ड्रास्टिक कदम उठा सकती हैं? जी, दादी पहले थोड़ा खफा थी वेदिका से, क्योंकि उनकी वजह वो मान रही थी कि उनकी वजह से कायरव की किडनेपिंग हुई है. लेकिन जब वेदिका ने कायरव को बचाया और अपनी जान को जोखिम में डाल के कायरव को बचाया, दैट टाइम वो वेदिका को माफ़ कर लेती है. तो जाहिर सी बात है, अभी उनके वेदिका भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी पहले थी. जो बीच में जो खफा था वो हट चुका. हाँ, लेकिन नायरा को ये बात लगती है कि वेदिका ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर सकती है, सुसाइड करने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि पहले भी वो एक बार ऐसा कुछ कर चुकी हैं जहाँ पे सही टाइम पे नायरा ने पहुँच के उन्हें बचा लिया था. कार्तिक को ये बात नहीं पता और ये बात कार्तिक को अभी तक नहीं पता है, पर यही डर भी नायरा के अंदर है कि कहीं अगर ऐसा कुछ अगर कार्तिक और नायरा को होता है तो पता नहीं वेदिका, ऑब्वियसली वो बहुत हर्ट होगी और फिर से कहीं वो ऐसा कोई स्टेप ना उठा ले जिसकी वजह से नायरा हमेशा यू नो पीछे हट जाए. अच्छा, वेदिका का ये कहना है कि वो अपने आप दोनों के रास्ते, मेरा लास्ट क्वेश्चन है बाय द वे, अब वो तो अपने आप दोनों के रास्ते से हट जाना चाहती हैं, वो आपको तलाक देना चाहती हैं ताकि आप दोनों फिर से पुनर्विवाह कर सकें, जिसका फैंस बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं. अगेन अ कायरा मिलन विल बी हैपनिंग. एज अ कायरा फैन आई एम आल्सो वेटिंग फॉर द मिलन, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली वो कैसे होने वाला. हमने अब तक आगे की आज वो शूट नहीं किया, जैसे करेंगे हम आप बता देंगे. थैंक यू. बहुत बड़ी सीन नहीं किया, स्टोरी नहीं पढ़ी.
पता बहुत ही खूबसूरत सा पल हम सब लोगों को देखने को मिला जिसमें आप दोनों एक बहुत ही रोमांटिक सा डांस कर रहे हैं रोमांटिक मोमेंट है जहाँ पहले देखने को मिलेगा कि नायरा सपने में कार्तिक से थोड़ा दूर हो रही है लेकिन फिर कार्तिक मना लेंगे और उनका क्यूट सा रोमांटिक सा मोमेंट है। ये हम दोनों का सपना, हम दोनों ही खो चुके हैं। एक्चुअली हम दोनों का सपना है। और दोनों वही जो गाना चल रहा है उसी में खो जाते हैं और वही गाना आगे कंटिन्यू होता है जब पूरी फैमिली डांस कर रही है और उतने में और लोग आ जाते हैं उनके सामने आते हैं तो वो सपना टूट जाता है। अच्छा इस चीज़ में आपके लिए डबल नायरा ने भी बीच का व्रत रखा है, वेदिका ने भी बीच का व्रत रखा है। बेचारे बहुत कंफ्यूज है, बहुत दुविधा में है बिकॉज he does not know what to do. Ek taraf there's the love of his life, other side is his responsibility, his family. So bahut kashmakash mein hai bechare is waqt aur teej ka tyohar hai, so it's the couple time. So yes, wo duvidha chal rahi hai aur sath sath mein obviously ek case jeet chuke hum to uska celebration ho raha hai. तो दुगनी खुशी है यहाँ पे गोइंका फैमिली, सिंगानिया फैमिली, पूरी फैमिली के लिए भी खुशी है और ये रिश्ता फैमिली, डीके भी फैमिली, सबके लिए भी खुशी का मौका है। तो बस सब मिलके खुशियाँ मना रहे हैं। Thank you so much for accepting us, for loving us, and we keep loving you. Thank you. एक लास्ट सवाल, नायरा व्रत आपका पूरा हो रहा है, वेदिका का पूरा नहीं हो रहा है। जाने अनजाने कार्तिक आपका व्रत तोड़ते हैं और पूरा करते हैं, बट वेदिका का व्रत पूरा नहीं हो पाया है। एक्चुअली वेदिका का व्रत टूट जाता है, उनकी वो बेहोश हो जाती हैं और डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं कि वो व्रत नहीं कर पाएंगी। इस वजह से व्रत नायरा ने काटने के लिए रखा हुआ है और कार्तिक भी और पूरा भी होगा, मतलब पूरी तरह से पूरा नहीं होगा बट पूरा होगा। एक बहुत ही खूबसूरत सा सीक्वेंस होने वाला है जिसमें आप तीनों कार्तिक, नायरा और कायरव अपने हाथ का एक बहुत ही क्यूट सा मोल्ड बनाने वाले हैं। बहुत ही क्यूट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए मेमोरी रहेगी आप तीनों की। इट्स गोना बी समथिंग स्पेशल विद आवर हैंड्स, वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा। थैंक यू। ये हमारे जो डायरेक्टर सर है ऋषि सर, ये उनकी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है अमूल। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज जो मेहंदी लगी थी निकाल रही है नायरा, नहीं पर मेहंदी की छाप रह गई है। लेकिन निकालना क्यों चाहती थी? अम्मू कुछ अम्मू को पापा के पास जाना है, नहीं दीदी के पास रहना है। अच्छा बताओ तो यही रहना है, यही ठीक है, यही ठीक है, ठीक है ठीक है। अच्छा नहीं आना उसको। okay. हाँ तो मेहंदी की छाप इसलिए निकाल रही थी क्योंकि अगर उसे लग रहा था गलती से अगर ये वेदिका देख लिया घर में कोई और देख लिया तो उनको पता नहीं कैसा लगेगा, उनको अजीब लगेगा। इस वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती बट जल्दी से मेहंदी निकालने की कोशिश करती है और छाप रह जाती है। और नायरा ने व्रत रखा हुआ है कार्तिक के लिए तीज का, वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए व्रत तो वो करेगी और वो व्रत रखती है बस सबसे छुपा के और देखते हैं अब उसका व्रत पूरा कैसे होता है। करीब आने के बजाय सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि कायरव किसके पास रहेगा और ज़्यादा ड्रिफ्ट अपार्ट हो जाएंगे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। लेट्स होप कि थिंग्स गेट बेटर। अच्छा बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन होने वाला है और कायरव चाहते हैं कि कान्हा जी का झूला हर साल की तरह जैसे उनकी मम्मा सजाती थी इस बार भी सजाएं और बहुत सारी कहानियां सुनी है 5 साल पहले की कायरव ने इनसे, लेकिन वेदिका ऑब्वियसली अब अपना हक समझ रही है इस चीज़ के ऊपर बींग योर वाइफ। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है। सिचुएशन इज वेरी ऑकवर्ड बिकॉज
पाँच साल तक कायरा को नायरा ने कार्तिक के बारे में जब भी बताया, जो भी बताया, तो उसने ये भी बताया कि जो जन्माष्टमी होती थी तब कार्तिक यानी कायरव के पापा और मम्मा मिलकर कृष्णा जी की झांकी सजाते थे। तो आज जब वो यहाँ पे है और किसी और को उनके फैमिली में और किसी और को झांकी सजाते हुए देख रहा है तो वो बोल देता है कि ये तो मेरे मम्मा और पापा करते हैं, जहाँ पे वेदिका को थोड़ा सा अजीब लगता है। एंड नायरा इज़ नाउ अंडरस्टैंडिंग वेदिका सिचुएशन की उसे भी बुरा लग रहा हो सकता है और नायरा को खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है।